in an interview, they asked me, if you had a tagline, if brand Ranveer had a tagline, what would it be? Came my answer. I said, whatever your type is. अभी हमने लैंड एंड में बैंड स्टैंड में सर मैंने भी घर लिया है 120 करोड़ का. आई वॉज गोइंग टू बी अ कॉपी राइटर. मेरे दिल में एडवर्टाइजिंग है, मेरी रगों में एडवर्टाइजिंग दौड़ता है सर. रणवीर क्या कहा रणवीर ने अपनी न्यूड फोटोज पर? अरे ये क्या कर दिया रणवीर ने, अरे रणवीर को पकड़ लो, अरे रणवीर की फोटोज को जला दो. इन दिनों रणवीर सिंह को लेकर आप यही सब सुन रहे होंगे ना. आजकल रणवीर सिंह हर जगह चर्चा में है और उन पर हर जगह हंगामा मचा हुआ है. और होगा भी कैसे नहीं जब अपना न्यूड फोटो शूट उन्होंने करा लिया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. फिर चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलेब्स हों, उनके फैंस हों या देश भर के लोग. अब रणवीर सिंह तो आप जानते ही हैं कि रणवीर सिंह ही हैं, उनके साथ कोई भी फिल्टर नहीं होता. और अब रणवीर को मिल गया है IAA Awards 2022 में ब्रांड एंडोर्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जहां उन्होंने न्यूड फोटोशूट के बाद पहली बार कोई इंटरव्यू दिया है. और अब जब इंटरव्यू दिया तो अब रणवीर फिर से आ गए हैं हर जगह चर्चा में. इस इवेंट पर होस्ट शुरुआत करते हैं स्टेज पर उनके स्टाइल की तारीफ करते हुए, जहां रणवीर देखिए क्या कहते हैं. आई एम जस्ट बीइंग मी नाउ, इफ दैट मींस आई एम डिसरप्टिव एंड अनकन्वेंशनल, परहैप्स दैट्स व्हाट आई एम ऑथेंटिकली. फिर जब होस्ट बोलते हैं कि रणवीर सिंह के पास आज के टाइम में 34 ब्रांड्स है, उन्हें करेक्ट करते हुए रणवीर सिंह कहते हैं कि अब 41 हो गए हैं सर. अब यहाँ रणवीर के आइडल यानी शाहरुख खान को लेकर भी बहुत बातें हुई. होस्ट ने बताया कि शाहरुख खान वॉज द लास्ट सेलिब्रिटी जिन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जब उनके पास 21 ब्रांड्स थे, जिस पर रणवीर वॉज ऑल प्रेजेस फॉर शाहरुख खान. वो कहते हैं कि सेलेब्स में से सिर्फ शाहरुख ने ही एड्स को करना शुरू किया था, बिकॉज ही बिलीव दैट ही इज ऑल्सो एन एंटरटेनर. और उसके बाद रणवीर ने कहा कि आई एम जस्ट फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स. यहाँ रणवीर ने ये भी बताया कि अब वो शाहरुख के पड़ोसी भी बन गए हैं और कैसे उन्होंने 120 करोड़ का घर खरीदा है. 41 सर, क्या बात है, मुझे तो लगता है रिकॉर्ड है सर. जय झूलेलाल, अभी उनके सामने मैंने घर लिया है, है ना. अभी हमने लैंड एंड में बैंड स्टैंड में सर मैंने भी घर लिया है 120 करोड़ का. तो अभी ऐसे ऐसे करोगे तो फिर 41 ब्रांड्स तो करनी पड़ेंगे ना मैडम. अब सोचिए रणवीर सिंह ब्रांड है तो उनकी टैग लाइन आपके हिसाब से क्या होगी? चलिए रणवीर ने ये भी फिलहाल खुद ही बता दिया है. वंस इन एन इंटरव्यू दे आस्क्ड मी इफ यू हैड अ टैग लाइन, इफ ब्रांड रणवीर हैड अ टैग लाइन, व्हाट वुड इट बी? एंड पैक केम माय आंसर. आई सेड व्हाटएवर योर टाइप इज, व्हाटएवर यू वांट मी टू बी आई कैन बी. अब क्योंकि रणवीर के दिमाग और दिल में जो भी आता है वो बिंदास बोल देते हैं, तो अब जब होस्ट ने पूछा कि अगर इंडिया के बारे में एज अ ब्रांड उन्हें कुछ बोलना हो तो वो क्या कहेंगे, देखिए जरा उन्होंने क्या कहा. रणवीर हु इज द फेस ऑफ इंडिया, व्हाट शुड दे बी लुकिंग एट ब्रांड इंडिया इन 2030? वन वर्ड कम्स टू माइंड, वन की वर्ड कम्स टू माइंड, डायनामिज्म. आई थिंक वी आर अ वेरी डायनामिक कंट्री. I believe statistically the youngest in the world, if I'm not mistaken. अब आखिर में जब होस्ट उठकर सेशन खत्म करने लगे, वहाँ भी रणवीर ने कह दिया कि अभी तो मैं आया हूँ सर, आप बैठिए, मुझे लगा आप मुझसे और 10-15 सवाल पूछेंगे. अब यहीं पर बातें करते करते रणवीर ने अपने करियर का बैकअप ऑप्शन भी सबको बता दिया कि वो कॉपीराइटर बनना चाहते थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने अपना बचपन का एक किस्सा भी सबको बता दिया. The reason there is a very special place in my heart for the entire gamut of advertising is because this was my backup career. I was going to be a copywriter. मेरे दिल में एडवर्टाइजिंग है, मेरी रगों में एडवर्टाइजिंग दौड़ता है सर. तो it was a competition in school. I was in a small ICSE school called Learners Academy in Bandra. And I think around the 6th or 8th standard, we had an inter-house competition, which was precisely this. They would give you a product, and then they would tell you, "Is pe aap kuch tagline likho." And I was first aa gaya, sir. So I realized, wow, I really have a knack for these things. I always wanted to act. But around 10th standard, I realized, "Theek hai yaar, I'm like, from an outsider, and you know, around the year 2000, it was still very insulated, the film industry. So I thought this is too far-fetched for a guy with my background to think that I'll get a mainstream opportunity. So think of something that you think is, you know, more realistic that you may be able to do in life.
लेकिन यहाँ भी रणवीर ने बताया कि वो इतने कॉपीराइटिंग को लेकर सीरियस हो चुके थे कि उन्होंने पढ़ाई भी उसी में की और इंटर्नशिप भी एडवर्टाइजिंग में ही की थी। और हैरानी तो सबको ये बात सुनकर हुई जब रणवीर ने बताया कि उनका फर्स्ट एड भी उन्होंने खुद ही लिखा था फॉर ड्योरेक्स कॉन्डम्स ब्रांड, जिसे सुनकर सब के सब हैरान रह गए। आई हैड दिस आइडिया फॉर ड्योरेक्स कॉन्डम्स, I actually had my management pick up the phone on them and said, "Yeah, idea, aapko karna," and they bit into it, and the rest is history. Today, I'm on a stage as Brand Endorser of the Year, honored by the IAA. Fabulous, fabulous, Ranveer. अब अच्छा ही हुआ कि रणवीर सिंह मेहनत करते रहे और उन्होंने एक्टिंग का साथ कभी नहीं छोड़ा, नहीं तो आज इंडिया को इतना बड़ा एक्टर कैसे मिलता। आखिर में जाते जाते ही सही पर एंकर ने रणवीर से डांस करने की रिक्वेस्ट भी कर दी, तो उस पर भी रणवीर सिंह ने कहा कि मैं ऐसे काम के 10-12 करोड़ रुपए लेता हूँ। लेकिन उसके बाद देखिए रणवीर ने और क्या किया। मैडम जी देखिए, बड़े बुजुर्ग ने कहा था, इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री, करेक्ट? लेकिन इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स I am a simple entertainer. My only purpose in life is to entertain people, to spread joy, cheer and happiness, put a smile in your face in this agonizing journey of life, and there's nothing more I like than a stage and an audience. So, my beloved DJ, hit it. मानना पड़ेगा भाई कि रणवीर सिंह से बड़ा एंटरटेनर फिलहाल कोई भी नहीं है। अपनी बातें भी रख दी और सबका दिल रखने के लिए और एंटरटेन करने के लिए अपने गाने पर डांस भी कर दिखाया। अब आपका क्या कहना है रणवीर के इस अनफिल्टर्ड अंदाज पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।